आई एम डॉक्टर अक्षर शरीर, अ फिजिकल थेरेपिस्ट। एक ऐसी कंडीशन जो कि आजकल बहुत कॉमन है और क्लिनिक में बहुत से पेशेंट इससे रिलेटेड आते हैं, जो कि है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि आजकल फीमेल्स में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन के जवाब दूँगी जो कि लोग पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि लीड कर सकते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ, और बेसिकली फिजिकल थेरेपी क्या कर सकती है आपको एक दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए। न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ये है कि आपका जो नी जॉइंट होता है, ठीक है, उन दोनों बोन्स के दरमियान एक कार्टिलेज होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जर्व करता है किसी भी शॉक को, ठीक है, वो आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो आपके जो दोनों बोन्स हैं ऊपर और नीचे, वो कॉन्टैक्ट में नहीं आती, उनके दरमियान में आपके पास कार्टिलेज होता है। लेकिन विद एज ऐसा होता है कि ये जो कार्टिलेज है वो फिनिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है और उसकी वेयरिंग एंड टियरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ऐसा होता है कि जो दोनों बोन्स हैं वो कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो आपकी नीज पर आता है, ठीक है। तो जब वो कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो फिर आपके दोनों बोन्स के दरमियान कोई भी कुछ नहीं अफेक्ट नहीं रहता। तो वो दोनों बोन्स से इन कॉन्टैक्ट आती है और फिर जब पेशेंट से वो ये कंप्लेन करते हैं कि पेन है, स्वेलिंग स्टार्ट हो गई है, स्टिफनेस है, हम खड़े नहीं हो सकते या हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने का क्राइटेरिया ये है कि पहले तो हम लोग पेशेंट की एज देखते हैं कि क्या पेशेंट की एज उस रेंज में आती है जो कि बहुत प्रोन है टुवर्ड्स द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि हमारे पास 45 या 50 से अबव जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर जेंडर की बात की जाए तो फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन है, उनमें ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के। दूसरा यह है कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो इस हिस्ट्री के साथ आते हैं जो कि हमें हेल्प करती है डायग्नोसिस की तरफ। लाइक पेशेंट आपके पास आएंगे और वो ये कहेंगे कि अगर हम बैठे रहें तो हमें कोई मसला नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, ना कोई स्टिफनेस है। लेकिन जैसे वो कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे वो अपनी जगह से खड़े होते हैं, तो उनकी नी में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। ना वो स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर सकते हैं, ना वो स्टेयर्स उतर सकते हैं, ठीक है, ना वो घर का कोई काम कर सकते हैं। बेसिकली जब वो रेस्ट में रहते हैं तो वो बिल्कुल फाइन होते हैं, लेकिन हर एक एक्टिविटी के साथ उनकी नी में दर्द शुरू हो जाता है। अगर जब ये सब फाइंडिंग्स हमारे पास कंफर्म हो जाती हैं और साथ एक और फाइंडिंग होती है जिसमें हम कहते हैं कि क्रिपिटस टाइप ऑफ साउंड आना शुरू हो जाती है आपकी नी से, जैसे वो बंदा चलता है तो आपकी नी से एक क्रैकर्स टाइप ऑफ साउंड सुनाई देती है। और सेकेंडली हम लोग एक्सरे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है डायग्नोसिस ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। कि हम क्लिनिकली तो हम लोग ये फाइंडिंग्स बता देते हैं कि ये है, उसकी हिस्ट्री ये है, उनकी एज ये है, लेकिन अगर एक्सरे रिकमेंड किया जाए इन सब हिस्ट्री के बाद तो हमारे पास ये है कि एक परफेक्ट डायग्नोसिस आ जाती है कि हाँ इनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि उनके एक्सरे में क्लियरली शो होता है कि उसमें जो कार्टिलेज होता है दोनों बोन्स के दरमियान वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो टॉप पर जो आता है वो ये कि अगर नी में कोई इंजरी हो गई है या आपने नी जॉइंट को बहुत ओवर यूज़ किया है तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सके। सेकेंडली ये कि जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द डायग्नोसिस ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या उसके रिस्क फैक्टर्स पे। अगर फीमेल्स हैं देखा जाए तो फीमेल्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। थर्डली अगर देखें तो जेनेटिक्स को हम ये कहेंगे कि अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है कि यू कैन गेट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल। और आखिर में आता है आपका वेट। ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लोग ओबीस होते हैं, कि जिनको वेट ज़्यादा होता है अपनी एज के हिसाब से, तो कहा जाता है कि वो
आपके न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकता है, बिकॉज आपका जो पूरा वेट है वो आपकी नी से लेन है। जितना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर आता है उतना जो बोन्स है वो कॉन्टैक्ट में आती है और उतना जो कार्टिलेज है वो वहाँ से वे एंड टियर होता है। न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर कोई है वो फिजिकल थेरेपी का प्रोटोकॉल है। और ये चीज़ प्रूफ है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो सबसे ज़्यादा अगर मुतासर होते हैं वो फिजिकल थेरेपी की ट्रीटमेंट से होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो इनको एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं या इनको जो भी हम लोग फिजिकल थेरेपी के प्रोटोकॉल्स अप्लाई करते हैं वो उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए होती हैं। सबसे मेन बात ये होती है पेशेंट का पेन। पेशेंट को इस चीज़ से वो नहीं होता कि पेन है तो क्यों है, अंदर कौन सी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। उनका सिर्फ होता है कि उनको दर्द है। तो जो मेडिसन्स होती हैं वो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट देती हैं। अगर आप एक दिन लेते हो तो कुछ टाइम उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। फिजिकल थेरेपी ये करती है कि उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको रिस्टोर करती है। जो एक्टिविटीज़ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से रुक जाती हैं उनको दोबारा रिज्यूम करती हैं। क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाते हैं इस वजह से कि अगर वो कोई भी मूवमेंट करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो उनकी नी में पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल थेरेपी का जो प्रोटोकॉल है वो ऐसी एक्सरसाइजेस पे बेस्ड है जो कि आपके नी के अराउंड जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। कार्टिलेज तो ख़त्म हो गया, वो वापस तो नहीं आ सकता। एक बात ध्यान रखने की बात है कि जो न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस है हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यू विल बी टोटली फाइन, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिजिकल थेरेपी के थ्रू आप बहुत हद तक रिस्टोर करते हो, आप बहुत हद तक अपनी एक्टिविटीज़ को रिस्टोर करते हो, आप बहुत हद तक अपने पेन को कम करते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि जो नी के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। हम पेशेंट को ऐसे एक्सरसाइज करवाते हैं जो कि हेल्प करती है डेली एक्टिविटीज़ में। हम उनको एरोबिक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में डालते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम में डालते हैं और कुछ ऐसी मोडलिटीज़ उनको लगाई जाती हैं जिनके थ्रू पेशेंट्स का पेन भी कम होता है और हम उनके जो मसल है उनकी स्ट्रेंथनिंग में बेसिकली काम करते हैं ताकि वो दोबारा अपनी डेली एक्टिविटीज़ की तरफ आ सकें। और साथ साथ हम लोग पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं होम बेस्ड एक्सरसाइजेज ताकि वो घर में भी अपने जो एक्सरसाइजेस हैं उसको कंटिन्यू रखें। और अगर पेशेंट का वेट अगर ज़्यादा है तो ये रिकमेंड किया जाता है कि कुछ ऐसी डाइट या कुछ एक्सरसाइजेस की जाए जो कि आपकी नी पे प्रेशर कम कर सके। सबसे पहले तो ये कि नी जॉइंट को मूव करना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ही उस जॉइंट को इमोबाइल कर दो खेलो उसमें दोबारा से वही स्टिफनेस स्वेलिंग और वही दोबारा साइन सिम्टम्स दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली जो पॉइंट है वो ये है कि मोबिलिटी, आपने एक जॉइंट को बहुत देर तक इमोबाइल नहीं रखा। सैंडल्स, हाई हील्स, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, बल्कि जो एक सपोर्टिव शूज आते हैं जो कि इनका जो आर्च होता है वो उसके मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया जाता है तो वो रिकमेंड किए जाते हैं ताकि आपकी जो स्टैंडिंग है वॉकिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो। कोशिश करें कि 30 मिनट से ज़्यादा ना बैठें। आप कोशिश करें कि अगर आप बैठ भी गए हैं तो हर कुछ टाइम बाद खड़े हों, कुछ काम करें और फिर बैठें। कोई ऐसी जगह बैठें जिस पे जो आपकी नीस हैं वो ज़्यादा फ्लैक्स ना हो, कोई ऊपर की तरफ जगह हो ताकि जो आपके नीस हैं वो सेमी फ्लैक्स हों या थोड़े एक्सटर्नल पोजीशन में आए लेकिन बिल्कुल ही फ्लैक्स ना हो। और रात को सोते वक्त ये कि अगर आप सीधा सो रहे हैं तो कोशिश करें कि जो नीस है उसके नीचे पिलो रखें, या अगर आप साइड लाइन में हैं मतलब कि करवट पर सो रहे हैं तो दोनों नीस के दरमियान पिलो रखा करें ताकि जो आपके जॉइंट्स हैं वो इन कॉन्टैक्ट ना।